Welcome to VPLSP. Bluetooth mode connected. ओरिजिनल है ना 3380 और ये बेस ट्रेबल बोर्ड इसके साथ इनबिल्ट है बेस ट्रेबल इसके साथ। अच्छा ये मॉडल नंबर कौन सा है? VPL08 इसको हैवी में बोलते हैं। ये बेस ट्रेबल आपको मिल जाएगा अलग से विदाउट वायरिंग। 100+100 इसकी RMS है और ये बन के आ जाता है ये पूरा कंप्लीट। ठीक है, हीटसिंक देख सकते हो, 3-4 हीटसिंक है। एक और मॉडल मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये देख सकते हो IRF 9240 240 8 MOSFET में है। ये 8 MOSFET में टावर वाला ऑडियो बोर्ड है। ये देख सकते हो 7265 की IC डबल वाली, एक से बेस और एक IC से स्टूडियो चलता है। ओके दोस्तों, आप अगर बना एम्पलीफायर लेना चाहते हो, मतलब ये बोर्ड नहीं लेना, डायरेक्ट देखो दोस्तों कितना बढ़िया, कितना हैवी क्वालिटी का शानदार ऑडियो बोर्ड। ये वाला कौन सा मॉडल है भैया? ये 100+100 वाट का ही, आप देख सकते हो। एक बार फ्रंट से एक बार देख लेते हैं दोस्तों, देख सकते हो कितने सारे ऑडियो बोर्ड है ये। ठीक है, ये सारे हम कवर करेंगे विद प्राइस, तो वीडियो में बने रहना। तो दोस्तों आज मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए चीपेस्ट प्राइस में ऑडियो बोर्ड। ठीक है, एम्पलीफायर और ऑडियो बोर्ड दोनों मिल जाएंगे। और मेन बात है, डायरेक्ट मैं फैक्ट्री का टूर कर रहा हूँ। ठीक है, जहाँ मैन्युफैक्चरिंग होता है, सबसे कम कीमत में जहाँ मिलता है वहीं का टूर कर रहा हूँ। तो वीडियो में बने रहना, तभी आपको समझ में आएगा। सो लेट्स गो। सो हेलो भैया, कैसे हो? ठीक भैया, आपका नाम? संदीप। संदीप भैया, ऑडियो बोर्ड में सारी वैरायटी में डील करते हो आप? सारी वैरायटी में, घर से घर पे चलाना उसके लिए भी, और ट्रैक्टर ऑडियो बोर्ड और एम्पलीफायर दोनों चीजों में डील करते हैं। आपको 12 वोल्ट चाहिए 12 वोल्ट में भी, और 24 वोल्ट का चाहिए 24 वोल्ट में भी। जैसे आप ये देख सकते हो, ये अभी फिलहाल मेरे पास 24 वोल्ट में, जो 24 वोल्ट पे ऑपरेट होता है, सेम इसी का 12 वोल्ट भी आपको मिल जाएगा, ये देख सकते हो दोस्तों। ठीक है, आपकी अगर शॉप है, आप डायरेक्ट होलसेल रेट में भी ले सकते हो। यहाँ पर होलसेल रेट में मिल जाएगा आपको, रिटेल में भी एक दो पीस वो भी मिल जाएगा, दोनों मिल जाएगा। सबसे पहले मैं आपको बड़े बोर्ड दिखाना चाहूंगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, ट्रैक्टर VPL08 है, ये आप देख सकते हैं, ये ओनली अभी PCB है, अभी इसके अंदर जो हेडसिंक और टोरॉइड वगैरह लगना बाकी है। कंपोनेंट्स अभी कंपोनेंट लग नहीं है ना इसमें, हाँ, बाकी छोटे जो कंपोनेंट हेडसिंक और कॉइल वगैरह लगनी है। आप देख सकते हो क्वांटिटी, देख सकते हो, आप जब भी ऑर्डर करोगे क्वांटिटी, ये देख सकते हो दोस्तों क्वांटिटी कितनी सारी है इनके पास। ठीक है, आप होलसेल में भी डील कर सकते हो और रिटेल में भी। इसमें दो तरीके का आता है, एक आप देख सकते हो ये, और एक फिलिप्स कंपोनेंट में, ये आप देख सकते हो फिलिप्स में। ओके, ये कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाया जाता है। अगर आपके इसके अंदर कोई चीज चेंज करानी है MOSFET वगैरह, तो इसके अंदर चेंज हो जाता है, चेंज करवानी है MOSFET चेंज कराना, या कोईल थोड़ी चेंज करानी, कैपेसिटर चेंज कराने, जो कुछ भी, तो उसके बाद हो जाता है इसके अंदर। तो अच्छा, ये आपके पास कंप्लीट बना हुआ है? कंप्लीट बना हुआ है, एक बार दिखा सकते हो? ओके दोस्तों, ये देख सकते हो कंप्लीट आपको ऑडियो बोर्ड ये बन जाएगा, आपका बोर्ड पूरा कंप्लीट। ठीक है, हीटसिंक वगैरह देख सकते हो, इतने सारे हीटसिंक लगेगी। ये है PCB और कुछ कंपोनेंट्स लगे हैं, और ये कंप्लीट है बोर्ड, देख सकते हो। कैपेसिटर देखो, कैपेसिटर कौन सा लगा भैया? सैमवाग है इसके अंदर, सैमवाग है, ओरिजिनल है ना 3380 ओरिजिनल। और ये बेस ट्रेबल बोर्ड इसके साथ इनबिल्ट है? इनबिल्ट है बेस ट्रेबल इसके साथ। ओके, और ये तोशिबा के, तोशिबा के 5200 लगे हुए, और इधर तोशिबा के आपके MOSFET लगे हुए 5200, और इधर Z44 लगे हुए, और IC जो इसकी बेस पे लगी हुई है, ये देख सकते हो। अच्छा, अगर मैं इसकी प्राइस की बात करूँ, कितने का होगा? 2200 रुपए का, 2200 2200 रुपए का। ठीक है, ऑल इंडिया डिलीवरी हो जाएगा? ऑल इंडिया डिलीवरी हो जाएगा, आप कहीं भी रहते हो, वहाँ आपके घर तक या शॉप तक, जहाँ भी आप रहते हो वहाँ पहुँच जाएगा। बस आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा नंबर, व्हाट्सएप करना है और एड्रेस बताना है, और कौन सा बोर्ड आपको पसंद है, या फिर बोर्ड का आप नंबर भेज दो, उसी हिसाब से बोर्ड भी भेज देंगे और प्राइस भी बता देंगे। ठीक है, ओके, अगला देख लेते हैं। इससे अगला आप देख सकते हो, इसी का सेम मॉडल आ जाता है ये। ओके, इसका हैवी वाला है, आप देख सकते हो इसकी, इसमें और इसमें अंतर देख सकते हो आप, काफी डिफरेंट साइड हेडसिंक सब चीजों का, हाँ, सभी चीजों का डिफरेंट है, डिफरेंट है। अच्छा, इसमें कॉइल वगैरह नहीं लगा, अभी लगने बाकी, अभी लगने बाकी है, कॉइल लगना बाकी है और कैपेसिटर लगना बाकी है। आप सेम वैसे ही बन जाएगा ना, बेस्टेबल बोर्ड के साथ? बेस्टेबल बोर्ड के साथ सेम, बिल्कुल ऐसे ही बेस्टेबल इनबिल्ट आएगा। आप पीछे देख सकते हो, उधर मैन्युफैक्चरिंग इसकी हो रही है। एक बार दिखा देता हूँ दोस्तों आप लोगों को, ये देख सकते हो। ठीक है, यहाँ डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, प्लस सामान वगैरह इसका जितने भी कंपोनेंट्स है, यहाँ पर फिटिंग वायरिंग होती है। ठीक है, ये देख सकते हो क्वांटिटी, देख सकते हो कितनी सारी है। अच्छा, ये मॉडल नंबर कौन सा है? VPL08, इसको हैवी में बोलते हैं। VPL08 और वो वाला कौन सा था? ये नॉर्मल VPL08 नॉर्मल। अच्छा, दोनों VPL08 ही था, ये नॉर्मल था और ये वाला हैवी था। ठीक है, पूरा न्यू और फ्रेश मिलेगा, और डायरेक्ट यहाँ से मैन्युफैक्चरिंग होती है। प्राइस तो बहुत ही कम होगा। ठीक है दोस्तों, कम है। इसमें तीन तरीके के आते हैं, VPL08 नॉर्मल, हैवी, और एक ये फिलिप्स में। ओके, वो वाला भी देख लेते हैं, फिलिप्स वाला, ये देख सकते हो, ये फिलिप्स के कंपोनेंट में बना हुआ है सारा कुछ। तो इसमें तीन तरीके के आते हैं VPL08 में, जैसे रिक्वायरमेंट। तो ये बना हुआ है आपके पास? इसका भी बना हुआ पीस नहीं है। ओके, पूरा बना हुआ है, देख सकते हो क्वांटिटी बहुत सारी है। ठीक है, इसमें बस कॉइल लगना है, हीटसिंक लगना है, और
और बेस ट्रेवल बोर्ड लगना है ना ये, ओके। खाली अगर पीसीबी ये सिर्फ बनाते हैं तो इसका भी अलग से नहीं, मतलब कंप्लीट ही बनाना पड़ता है, ठीक है। VPL 08 हैवी मॉडल में होगा ये, हैवी में, हैवी में। और प्राइस सेम रहेगा, मतलब या फिर डिफरेंट? अच्छा, अप हो जाएगा, ओके। अगला देख लेते हैं, ये है VPL SP75 मॉडल नंबर, ये है 1200 वाट का, ये 1200 वाट का, ओके। पीक पावर इसकी 1200 वाट जाती है, और RMS पावर इसका 200 वाट, 100 प्लस 200 वाट, ओके। ये बिल्कुल हैवी है, ये फिलिप्स के कंपोनेंट में ये भी बना हुआ है, पूरे ये जितने कंपोनेंट्स है फिलिप्स के, ओरिजिनल कंपोनेंट है, और बाकी ये सारा सामान जो हैवी लगा हुआ है। और इसकी पीसीबी की आप क्वालिटी देख सकते हो, इसकी क्वालिटी बहुत जबरदस्त, क्वालिटी बहुत जबरदस्त है। और ये अगर हीट सिंक वगैरह लगा दिया तो कैसे दिखेगा? ये बिल्कुल इसका कंप्लीट है, VPL SP75 का, सैमा के ओरिजिनल का पिस्टन, प्लग एंड प्ले करना है ना, प्लग एंड प्ले करना। इसकी कॉइल देख सकते हो, बहुत हैवी बनी हुई है, अगर कॉइल हैवी है दोस्तों। और ये क्या बोलते हैं, कैपेसिटर कौन सा यूज कर रहे हो? ओरिजिनल लगे हुए हैं 3380, मॉसफेट कौन सा यूज हो रहे हो, ट्रांजिस्टर मॉसफेट इसमें यूज हो रहे हैं 3205, आप देख सकते हो 3205, तोशिबा के ओरिजिनल 5249 यूज हो रहे हैं, 5249 ये देख सकते हो दोस्तों। और ये हीटसिंक कितनी हैवी है देख सकते हो दोस्तों, ठीक है, तीन तीन हीटसिंक है, और प्लस इसके साथ बेस ट्रेवल बोर्ड आल्सो इनबिल्ट, ये देख सकते हो। कलर बहुत इसका यूनिक है और बहुत मिंट कलर है, ये देख सकते हो, ये भी पूरा फिलिप्स में बना हुआ है, बेस ट्रेवल भी इसका, ओके। अच्छा, इनका प्राइस व्हाट्सएप पे मिल जाएगा दोस्तों आपको, ठीक है। मैं किसी किसी का भी बताऊंगा जिसका अभी लॉन्च हुआ है, अभी इसका प्राइस फिक्स नहीं किया तो इस वजह से भैया बता नहीं पाएंगे, ठीक है। इसका व्हाट्सएप पे मिल जाएगा आपको, ये देख सकते हो दोस्तों। अगला ये हमारा मॉडल है, ये कौन सा मॉडल है भैया? ये कार के लिए, कार वाले के लिए, गाड़ियों के लिए, ट्रैक्टर के लिए, गाड़ियों के लिए, ये देख सकते हो। मॉसफेट कितने लगे? चार मॉसफेट है। और कंपोनेंट्स? कंपोनेंट इसके अंदर जो कि लगे हुए फिलिप्स के ही है, फिलिप्स के इसके अंदर नहीं है, इसके अंदर नॉर्मल वाले हैं, 5% वाले, ये भी बहुत बढ़िया है। और कॉइल देख सकते हो कितना हैवी है, हैवी बना हुआ है। अच्छा, बना बनाए कैसे दिखेगा ये? ये देख तरीके से बन के दिखेगा, ये पूरा कम्प्लीट ना, विद बस 12 वोल्ट का इसमें पावर देना है, 12 वोल्ट स्पीकर, ये आपकी 12 वोल्ट की पावर होगी, रेड ब्लैक, और ये स्पीकर, ओके, बस ओनली। और यहाँ और फ्रंट से आपका ऐसा लुक दिखेगा, ठीक है, इसमें देख सकते हो ऑडियो बोर्ड का भी बीटी कार्ड भी लगा हुआ है, वॉल्यूम कंट्रोल वगैरह सब कुछ लगा है, ठीक है। ऐसे ही आपको बोर्ड दिखेगा, सेम इसके अंदर यही वाला बोर्ड लगा हुआ है। अगर मैं इसकी प्राइस की बात करूँ पूरा कंप्लीट कैबिनेट के साथ कितने का मिलेगा ये? 1300 रुपए का, 1300 रुपए का, ओके। और अगर बोर्ड लेना चाहे तो बोर्ड अलग से, नहीं अलग से बोर्ड सेल नहीं करते ना इस वाले मॉडल का, नहीं करते, ओके। अगला देख लेते हैं दोस्तों, ये है हमारा नेक्स्ट मॉडल, ठीक है। बोर्ड तो इतने सारे इनके पास, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, ठीक है, कोई क्वांटिटी जितनी मर्जी उतना ले सकते हो, ठीक है। 100 लो, 50 लो, 2 लो या फिर 10,000 लो मिल जाएगी इनके पास, जस्ट आपको बताना है इनको कि बोर्ड कौन सा चाहिए, ओके। इसका कंप्लीट कंपोनेंट्स के साथ बोर्ड बना हुआ है आपके पास भैया? ये मिल जाएगा, अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, इसके अंदर टोरॉइड लगने अभी बाकी है, टोरॉइड और कैपेसिटर लगने बाकी है इसके अंदर, जो कि बेस टेबल मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाली फिटिंग होगी ना कुछ इस तरीके का बेस टेबल, ये इसके अंदर फिट हो जाएगा, ये देख सकते हो, ये बेस टेबल आपको मिल जाएगा अलग से विदाउट वायरिंग, विदाउट वायरिंग बेस टेबल मिल जाएगा, मिल जाएगा, ठीक है, ओके। इसका प्राइस बता सकते हो आप? कंप्लीट होने के बाद 1500 रुपए, 1500 रुपए का मिल जाएगा, ठीक है। ऑल इंडिया डिलीवरी के साथ? जी, ऑल इंडिया डिलीवरी, ओके, ठीक है। इसी के साथ अगला देख लेते हैं एक बारी। अच्छा, इसका मॉडल नंबर कौन सा था? 03 VPL 03, ये देख सकते हो। 03 में दो तरीके का आता है, ये 4 कैपेसिटर वाला है, एक 2 कैपेसिटर वाला भी आता है, वो भी होगा आपके पास? वो भी है, ओके ओके। दोस्तों ये वाला मॉडल देख लेते, ये कौन सा मॉडल है भैया? VPL 02, ये जो 1000 वाट का, 1000 हैवी ड्यूटी के साथ 1000 वाट का आपको ये बोर्ड दिख रहा है पीसीबी, ठीक है। कंपोनेंट सारे ओरिजिनल है इसमें, जितने भी देख सकते हो, ठीक है। तोशिबा के मॉसफेट लगेंगे, तोशिबा के लगेंगे ना, तोशिबा के, जी, 5200 नित्राली तोशिबा में, ओके। और ये क्या बोलते हैं, कैपेसिटर कौन सा यूज होगा? कैपेसिटर इसके अंदर सैम्बा के यूज होंगे, सैम्बा के यूज होगा, ठीक है। और हीट सिंक कितनी यूज होगी? हीट सिंक इसके अंदर 2 यूज होती है, एक एल पत्ती यूज होती है, और एक बना हुआ है इसका, बना हुआ अभी नहीं होगा, अभी बना हुआ नहीं है, लेकिन शॉप पे मिल जाएगा, कैटलॉग में है, ये रहा कुछ इस तरीके से, कुछ इस टाइप का दिखने को मिलेगा, ठीक है दोस्तों। ये देख सकते हो हैवी मॉसफेट के साथ मिलेगा, हैवी कैपेसिटर और हैवी हीट सिंक के साथ मिलेगा, ठीक है। फटाफट व्हाट्सएप पे जाओ, कैटलॉग में जाओ, भैया का नंबर शो हो रहा होगा स्क्रीन में, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करो, ऑर्डर करो, चीपेस्ट प्राइस में, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी में है, ठीक है। अगर मैं प्राइस की बात करूँ कितने का कंप्लीट मिल जाएगा ये बोर्ड? 800 रुपए में मिल जाएगा, ठीक है, 1000 वाट का, बहुत ही बढ़िया, ओके। अगला देख लेते हैं, अगला ये है VPL 04, VPL 04, ये देख सकते हो, ब्लैक पीसी में देखने को मिल रहा है हमें, अपना दो तरीके के बनते हैं ये, 12 वोल्ट 24 वोल्ट दोनों तरीके के, आप
जितना भी ट्रैक्टर में या कार में कोई सा भी अगर आपको 12 या 24 चाहिए कोई भी मॉडल सारा मिल जाएगा 12 में भी 24 में भी। ये देख सकते हो, देखो कॉइल वगैरह यहाँ पर फिटिंग होगी, ठीक है। और ये कंपोनेंट्स यहाँ पर जितने भी है सारे ओरिजिनल है, बार बार यही कह रहा हूँ, हीटसिंक वगैरह सारी। और ये कितना है, 150 1500 वाट में होगा, 1500 पीक पावर इसकी, 100+100 इसकी RMS है। और ये बन के आ जाता है ये पूरा कंप्लीट, ठीक है। हीटसिंक देख सकते हो, 3-4 हीटसिंक है, MOSFET लगा रखा है 4, ठीक है। और ये जो बेस टेबल बोर्ड है हमारा, ये देख सकते हो सेम ये इसी कलर में, ठीक है। BPL-05 इसका बेस टेबल का बोर्ड का नाम है, और ये BPL-04 इसका मेन बोर्ड है। और इसके साथ अगर कैबिनेट अगर इनबिल्ड करना चाहे, बनाना चाहे तो बन जाएगा भैया, मिल जाएगा पूरा कंप्लीट भी मिल जाएगा। 1700 रुपए का है, 1700-1800 का मिल जाएगा, ठीक है, डिलीवरी वगैरह के साथ, ठीक है। एक और मॉडल मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये देख सकते हो IRF 9240-240 8 MOSFET में है, ये 8 MOSFET में, ये 8 MOSFET में 4 इधर लगेंगे 4 इधर, और बहुत हैवी इसकी हेड सिंक लगती है, और कैल्ट्रॉन के कैपेसिटर में बनेगा, 3205 लगेंगे इसके अंदर, और काफी हैवी क्वालिटी में बना रहता है। आप देख सकते हो फिलिप्स के कॉम्पोनेंट है इसके अंदर, और ये जो रेजिस्टेंस है काफी हैवी और काफी लोड पे चलती है, ये 400+400 वाट का इसका आउटपुट है, 400+400 इसका आउटपुट है, ओके। और 12 वोल्ट से लेके 36 वोल्ट तक इसका ऑपरेट होगा पावर से, अभी ये 12 वोल्ट पे ही बना हुआ है, अगर आप 24 वोल्ट में बोलोगे तो IRF 24 वोल्ट में भी मिल जाएगा। अच्छा ये वाला कौन सा बोर्ड है भैया, हैवी कैपेसिटर और हैवी हीटसिंक, ये देख सकते हो ये हैवी हीटसिंक में बना हुआ है आपका, ये इसमें लगे हुए 10100 वोल्ट जिंजल के ओरिजिनल कैपेसिटर लगे हुए हैं, और इसके अंदर आपको अगर 60/60 से 90/90 कोई भी सप्लाई चाहिए 12 वोल्ट से या 24 वोल्ट से वो सारी बना के ये आपको मिल जाएगी, बस इसके अंदर कोई लगना बाकी है, कोई लगना बाकी है। ओके अच्छा इसका प्राइस क्या होगा पूरा, इसका प्राइस है वो डिपेंड करता है आप कौन सी वोल्टेज बनवा रहे हो, अगर आप अच्छा वोल्टेज के ऊपर इसका है, अगर आप 60/60 बना रहे हो तो 2000 रुपए का पड़ेगा ये, उसके ऊपर जैसे बाकी वोल्टेज के ऊपर पैसे भी आगे पीछे है, ठीक है। इसी तरीके से अच्छा इनकी कुछ वारंटी होती है, ये जितने भी ऑडियो बोर्ड है इनकी वारंटी होती है, टेस्टिंग वारंटी आती है इनकी, बाकी ये लॉन्ग टाइम तक तो चलता होगा ना, लॉन्ग टाइम तक चलता, ठीक है, कभी कोई दिक्कत आती नहीं है। यूपी बिहार पटना जहाँ मर्जी आप वहाँ पर मंगा सकते हो, ठीक है। यहाँ से यूपी बिहार तो बहुत ज्यादा कस्टमर जाता है ना, बहुत डिलीवरी जाता है ना, यूपी बिहार पंजाब जहाँ तक। भैया ये कौन सा मॉडल है आपके पास, ये 100+100 वाट पीसीबी है, ये देख सकते हो 100+100 वाट ये पीसीबी आपको अलग से मिल जाएगी, अगर आपको चाहिए रिक्वायरमेंट है तो पीसीबी भी खाली मिल जाती है, और आपको कम्प्लीट चाहिए तो कम्प्लीट भी मिल जाएगा। इसका मॉडल नंबर क्या है, 0-55-39-39, ठीक है। इसके अंदर एक और आता है आप ये देख सकते हो, ये इसकी पीसीबी है, ये कार वाले में यूज होता है, ये अलग से नहीं मिल पाएगा आपको, जो कि ये कार वाले में यूज होता है, ये 30/30 पे ऑपरेट होता है, ओके। मतलब ये बोर्ड के साथ ही मिलेगा, ये कंप्लीट सेटअप सेट के साथ ही मिलेगा, 12 वोल्ट का जो सेट आता है अपना DC 12 वोल्ट का, उसके बाद अच्छा इसका प्राइस क्या होगा, ये 39 BPL-039 इसका 150-150 का एक पीस, ओके दोस्तों। एक मॉडल और मैं दिखाना चाहूंगा, ये देख सकते हो ये टावर में लगता है, डीजे टावर वाला ऑडियो बोर्ड है, ये देख सकते हो 7265 की IC डबल वाली, एक से बेस और एक IC से स्टूडियो चलता है इसके अंदर, ओके आप देख सकते हो पीसीबी की क्वालिटी, इसमें तो कनेक्टर भी दे रखा है यहाँ पर ना, प्लग का प्लग एंड प्ले है, ये प्लग एंड प्ले करना है, और हीटसिंक वगैरह लगना अभी बाकी है ना, बाकी कितने का होगा, ये अभी अपकमिंग मॉडल है अपना, इसका रेट अभी आपको कैटलॉग में डिसाइड नहीं हुआ, बट कैटलॉग में मिल जाएगा, कैटलॉग में मिल जाएगा, जब तक वीडियो आएगी तब तक कैटलॉग में आ जाएगा, ओके। अच्छा संदीप भैया ये वाला कौन सा मॉडल है, यह BPL-010 जो टावर में यूज होता है सबसे ज्यादा, ओके अपना टावर में यूज होता है, जो पेयर वाले टावर आते हैं उसके अंदर ये यूज होता है, ये आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से कम्प्लीट आता है ये टावर के अंदर, आप कैपेसिटर देख सकते हो हैवी लगे हुए हैं, और यहाँ पे MOSFET ये डायरेक्ट पीछे लग जाता है, और ये आगे आपका डायल के पास ये बेस टेबल लग जाता है, इस वाले बेस टेबल में अलग चीज ये है, यहाँ पे ब्रिज लगा हुआ है, और यहाँ पे पूरा अलग से एक सिस्टम बनाया हुआ है फैन के लिए और कार चलाने के लिए अलग बना हुआ है, इसके अलग बना हुआ है ना, इसमें BPL-SP10 इसका मॉडल नंबर है ना, BPL-010 और ये हमारे बोर्ड मिल जाएगा, ये देख सकते हो ये MOSFET कौन से लगे, 5119-43 के ओरिजिनल तोशिबा के, तोशिबा के, ओके। अच्छा इसका प्राइस क्या होगा, इसका प्राइस 850-900 रुपए में मिल जाएगा आपको, फ्लैक्चुएट 850-900 रुपए तक का मिल जाएगा, अच्छा ऑल इंडिया डिलीवरी के साथ, आप कहीं भी रहते हो आप घर बैठ के मंगा सकते हैं, घर बैठ के मंगा सकते हैं। ओके सकते हो दोस्तों, बेस ट्रेवल में आपको डील करना है, देख सकते हो कितने सारे बेस ट्रेवल बोर्ड है इनके पास, क्वांटिटी इतनी सारी है, जितनी मर्जी लोगे उतनी कम है, ठीक है ये देख सकते हो। भैया इनका प्राइस क्या होगा, बेस ट्रेवल का ओनली, बेस ट्रेवल का विदाउट वायर मिलेगा आपको ये 150 रुपए का, 150 रुपए का विदाउट वायर, ठीक है। बेस ट्रेवल में और अगर डील करना चाहते हो और भी सस्ते अगर लेना चाहते हो ये भी मिल जाएगा, ये मिल जाएगा आपको 200 का 3 IC बेस ट्रेवल,
उसके बाद ये मिल जाएगा, ये भी 200 का बेस टेबल विद ब्रिज, ब्रिज के साथ बेस टेबल। ओके ये देख सकते हो। उसके बाद इसका मॉडल नंबर क्या होगा? BPL 010। BPL 010। और उसके बाद एक मिल जाएगा BPL 06 का बेस टेबल विदाउट वायर मिलेगा ये। ये इसके अंदर आप कोई भी वोल्टेज दे दो यहाँ पे, ये ऑपरेट हो जाएगा 12.0 12 से लेकर 60.0 60 तक का कोई भी, विद 78.05 भी मिलता है आपको, ये भी आपको मिल जाएगा 200 रुपए। BPL 06 इसका मॉडल नंबर है, ठीक है। क्वांटिटी देख सकते हो कितनी सारी है। और आप यहाँ देख सकते, मैं यहाँ से 2-3 लेके जाने वाला हूँ दोस्तों, आप भी अपने लिए लेके जा सकते हो या फिर डिलीवरी करवा सकते हो। क्वांटिटी देख सकते हो BPL 03 का। अच्छा ये कलर में डिफरेंट दिख रहा है, वैसे क्या मतलब सेम वर्क करेगा ना? वर्क सेम रहता है, जैसे कि अपना ये BPL 08 है तो इसके साथ हमें बेस टेबल लगाना रहता है तो रेड लगाते हैं। हाँ। कोई ब्लैक वाले के साथ बेस टेबल लगाना है तो ब्लैक लगाते हैं। अच्छा, ऐसा है मतलब मैचिंग के लिए, मैचिंग के लिए। ये सेल के लिए जैसे ये वाला है 120 का, 120 रुपए, 120 रुपए का। ये दोबारा BPL 06 है, इसके अंदर देख सकते हो एक वही वाला विदाउट वायर, ये कम्प्लीट करके रखे हुए हैं लगने के लिए। Okay. आपको वेजिटेबल बहुत तरीके के मिल जाएंगे अपने, सभी तरीके का वेजिटेबल बोर्ड है इनके पास, बहुत सारे जितनी मर्जी आप उतनी ले सकते हो, ठीक है। अगर आपकी ये सब बोर्ड PCB वगैरह आप अगर बाय चांस अगर बनाना चाहते हो, इनसे अपना नाम की ब्रांडिंग छपवा के इनसे बोर्ड बनाना चाहते हो, वो भी बन जाएगा, ठीक है। ये देखो दोस्तों कितना बढ़िया, कितना हैवी क्वालिटी का शानदार ऑडियो बोर्ड, ठीक है। हैवी मॉडल होगा भैया ये, हैवी मॉडल है BPL 017। BPL 017 इसका मॉडल नंबर है, ब्लैक कलर में देखने को मिलेगा और टोटल पूरा ब्लैक, कितना मैचिंग बढ़िया लग रहा है एकदम पूरा मैचिंग का, ये देख सकते हो, ठीक है। बेस टेबल बोर्ड तो हर एक बोर्ड में इनबिल्ड है ऐसा लग रहा है। हाँ, बस आपको प्लग एंड प्ले करना है। ओके अच्छा, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं। आप जैसे यहाँ पे 12 वोल्ट दोगे, अगर आप 24 वोल्ट बोलोगे तो 24 वोल्ट का भी बना देंगे हम। जैसे यहाँ पे वोल्ट दोगे 50.0/50 में कन्वर्ट करके देगा आपको। okay. फिर 50.0/50 से ये पूरा आपका ऑपरेट होएगा ऑडियो। okay. उसके बाद इधर आ जाते हैं बेस टेबल में, तो 50 वोल्ट से इसका बेस टेबल चलता है और 12 वोल्ट से इसके ये 78.05 चलता है, जिससे कि आप कार्ड चला सकते हो। ओके अच्छा, ये कितने वोल्टेज में होगा? 100+100 वाट का, 200 वाट का आउटपुट देगा ये। और कितने क्लियर साउंड है इसका? मैक्स पावर कितना जाएगा इसका? मैक्स पावर जाएगा इसका 1400। मतलब 1400 वाट तक इसका मैक्स पावर चला जाएगा, मतलब कान वन फाड़ने वाला है ऐसा हो जाएगा। कितने का होगा ये? 1600-1700 के बीच में, 1600-1700 रुपए के बीच में ना। ये सारे पावर सप्लाई बोर्ड है, ठीक है, ये देख सकते हो। चलो एक एक करके हम इसको कम्प्लीट करते हैं। ये वाला कौन सा होगा भैया? ये रेड कलर में ये वाला आप देख सकते हो, 12-24.0/24 टोरॉइड में। इसमें कई तरीके का बनाते हैं, 12-12.0 चाहिए वो मिल जाएगा, 12-30.0/30 चाहिए वो मिल जाएगा इसके अंदर ही। ओके, इसका प्राइस क्या होगा? इसका प्राइस है 300। ये वाला कौन सा मॉडल होगा भैया? ये 12-35.0/35 आप देख सकते हो, ये लंबे वाली है। इसमें दो मॉडल आते हैं, एक ये रहा, ये थोड़ी चौड़े में है, ये लंबे लंबाई। सेम प्राइस होगा या सेम? प्राइस सेम होगा, कंपोनेंट सब चीज सेम लगी हुई है। तो फिर साइज का कहीं ये फिट होता है और कहीं ये फिट होता है, फिटिंग की वजह से PCB की कटिंग ऐसी करी गई है। प्राइस क्या था इसका? इसका 400 रुपए ऑल इंडिया डिलीवरी के साथ, ठीक है। वोल्टेज के रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी इसमें ये कितने वोल्टेज का होगा? ये अभी 35.0/35 में हम बनाते हैं। ओके, और ये रेड वाला कौन सा था? ये था 24.0/24 और ये 35.0/35। ओके, और उसके बाद 24.0/24 का मैं एक और दिखा देता हूँ, थोड़ा सा ये आप देख सकते हैं DT में आती है, ये देख सकते हो क्वांटिटी कितनी सारी है इनके पास और क्वालिटी देख सकते हो कितना हैवी क्वालिटी का, ठीक है। कितने वोल्टेज में होगा ये? 12-24.0/24 200 रुपए का पर पीस ना जी। ओके भैया, ये PCB किसके लिए होता है? ये 12-50.0/50 है, जैसे ये 12-35.0/35 था। हाँ। सेम इसी तरीके से 12-50.0/50 है, इसके अंदर थोड़ी सी बड़ी कॉइल लगती है इसके मुकाबले। कटिंग वगैरह देख सकते हो पूरे यहाँ पर, और कंपोनेंट्स सारे ओरिजिनल होंगे ना? सारे ओरिजिनल लगेंगे इसके अंदर, जितने भी कंपोनेंट लगेंगे सब ओरिजिनल लगेंगे। आप इसको 400 वाट के लोड पे चला सकते हो, 400 वाट तक लोड। ओके, इसी के साथ दोस्तों एक मॉडल और मैं दिखाना चाहूंगा जो कि हैवी मॉडल में आता है, ये BPL SP07 इसका मॉडल नंबर है, ठीक है। अगर मैं हीटसिंक की बात करूं, देख सकते हो कितनी हैवी हीटसिंक लगी है, ठीक है। थोड़ा पतले में होगा बट लंबी है बहुत, ठीक है। आपके जो बोर्ड जो हीट होता है उसको रोकता है ये हीटसिंक, ठीक है। कैपेसिटर की मैं बात करूं, इसमें कौन सा कैपेसिटर लगा भैया? 10,080 और MOSFET कितने लगे इसमें? 5200 लगे MOSFET। 5200 में 8 MOSFET में, ये 200+200 वाट का, 200+200 वाट का ऑडियो बोर्ड, ठीक है। इसमें बेस टेबल बोर्ड इनबिल्ड है? नहीं, इसमें अलग से लगाना पड़ेगा। अलग से लगाना पड़ेगा ना। BPL 010 का बेस टेबल इसमें अच्छे से काम करेगा। ओके अच्छा, इसका प्राइस कितने का होगा वैसे? इसका प्राइस है 1600-1700 रुपए में मिल जाएगा, ठीक है आपको, ठीक है। होलसेल में डील करोगे तो और भी सस्ता हो जाएगा, ठीक है। अगला मैं दिखाना चाहूंगा ये। ओके दोस्तों, एक मॉडल और है हमारे पास जो कि हैवी मॉडल है, ठीक है। ये कौन सा होगा भैया? इसका मॉडल नंबर BPL SP75 है। BPL SP75 इसका मॉडल नंबर है, ठीक है। कॉइल काफी हैवी बनी हुई है, सैंबा की, ठीक है इसके अंदर। और आप इसकी क्वांटिटी देख सकते हो, ये किसी
अभी जाने वाला माल है सारा, जितना भी ये सारे क्वांटिटी है इसमें, ये सारी क्वांटिटी है इसमें, ये देख सकते हो, ये देख सकते हो क्वांटिटी कितनी सारी है, पूरा पैक हो रहा है ये भी। ओके, और कितने वाट में होगा ये? 100+100 वाट में है ये, 100+100 वाट में, ठीक है। कैपेसिटर कौन सा लगा है? सैमबा के ओरिजिनल 4700। ओके, और 5200 MOSFET 5200 MOSFET है इसमें, 3205 पावर सप्लाई। ओके, और RMS पावर कितना है? RMS 200 वाट। और ये 1200 वाट तक इसका मैक्स पावर चले जाता है ना जी। इसी के साथ आपको ये बेस डबल बोर्ड भी इनबिल्ट देखने को मिलेगा, ठीक है आपको, ठीक है, अलग से खरीदने की जरूरत नहीं है, चीपेस्ट प्राइस में मिल जाएगा। एक मैं आपको अपकमिंग मॉडल दिखाना चाहूंगा, ये आप देख सकते हो VPL SP76, ये अपकमिंग मॉडल है जो कुछ टाइम बाद आने वाला है, 200+200 वाट का आउटपुट देगा ये, 200+200 आउटपुट जी, एसी में डायरेक्ट ट्रांसफार्मर आपको यहाँ पे, अपकमिंग है ना ये जी, अपकमिंग है ये। ओके, ये एक हफ्ते में बन के आ जाएगा ना जी। जी तो दोस्तों ये पीसीबी आप देख लो पहले इसको, इसके बारे में फिर मैं बताता हूँ। VPL SP33 इसका मॉडल नंबर है, और प्लस ये कितने वोल्टेज में होगा भैया, कितने वोल्ट में होगा ये? ये 30+30, ठीक है। इसी के साथ ये पूरा कंप्लीट ऐसे बन के आ जाएगा आपको। ट्रांजिस्टर देख सकते हो कितने लगे भैया, 5 ट्रांजिस्टर लगे, कौन से लगे? 5200। अच्छा, 30-55 के ट्रांजिस्टर लगे मेटल में। और मॉस्फेट कितने लगे? ये MOSFET वाले नहीं है ना? नहीं, MOSFET वाले नहीं है ये, 30-55 में बना हुआ रहता है। इसकी पीसीबी भी आपको अलग से मिल जाएगी, 100 की 200 का आपकी इसको सप्लाई भी मिल जाएगी, कंप्लीट चाहिए कंप्लीट भी मिल जाएगा 800। अच्छा, ये कंप्लीट पूरा एम्पलीफायर कितने का होगा? 800 से 900 के बीच, 1000 रुपए के अंदर अंदर तो आ जाएगा, आ जाएगा, ठीक है। इसमें बेस वगैरह इजिली कंट्रोल कर सकते हो, और इसमें BT कार्ड भी लगा हुआ है अलग से, ठीक है। ये वाला कौन सा मॉडल है भैया? ये 100+100 वाट का ही, आप देख सकते हो। एक बार फ्रंट से एक बार देख लेते हैं क्वांटिटी, ये आपने खुद मतलब यहाँ पर बनी हुई ना? यहाँ पे बनी है सारी की सारी क्वांटिटी, और इस तरीके से कुछ आप इधर देख सकते हो, ये इस तरीके से पैक होके जाता है, आपको इसके अंदर कनेक्टर भी मिल जाता है, ये आप देख सकते हो। ओके, एक इस तरीके 4 MOSFET के अंदर, एक हीट सिंक होगी, हैवी हीट सिंक मिल जाएगा ये 100+100। और नेक्स्ट 100+100 इसका मैक्स पावर कितने जाता होगा? मैक्स पावर जाता है इसका 1000 वाट तक, 1000 वाट चला जाता है। ओके दोस्तों, आप अगर बना बना एम्पलीफायर लेना चाहते हो, मतलब ये बोर्ड नहीं लेना, डायरेक्ट कार के लिए अगर आपको लेना चाहते हो, तो कुछ इस तरीके से ये एम्पलीफायर आता है। इसके अंदर जो ये कार्ड लगा हुआ है, मैं आपको अलग से पहले ये देख सकते हैं, इसके अंदर फैन भी मिल जाएगा आपको, 100+100 वाट का इसके अंदर भी बोर्ड लगा हुआ है, जैसे वो है आपको इजिली, इससे हैवी रहता है ये वाला जो 30-55 का सेट लगाते हो। और आपको मैं एक कार्ड दिखा देता हूँ, ये देख सकते हो, ये हमारा अपने नाम में बना हुआ है, जैसे कि आप पगारी यूज करते होगे, तो ये हमारा अपने नाम में, जब इसको ऑन करोगे तो ये आवाज करता है वेलकम टू VPL SP, अभी मैं आपको सुना दूंगा, और ब्लूटूथ पे भी इसका नाम आएगा VPL SP। ओके, आप ये हमसे बाय कर सकते हो। संदीप भैया, पीसीबी वगैरह है के बाद? ये आपको देख सकते हो जैसे ये बना हुआ है, अगर जैसे ये हमारा किस तरीके से बनता है, यहाँ आप देख सकते हो, ये सारी क्वांटिटी पीसीबी की रखी हुई है, हर मॉडल का 026 ब्रिज, 015, 025, 016, जो कुछ भी पीसीबी है उस तरीके से रखी रहती है, ये देख सकते हो आप यहाँ पे, ये 35035 है। और इनके जो कंपोनेंट है आप उधर देख सकते हो, वहाँ पे ये सारे PF रखे हुए हैं, PF वगैरह, कैपेसिटर वगैरह इधर रखे हुए हैं, और आप थोड़ा और रेजिस्टेंस वगैरह सारे यहाँ रखे हैं, सारे यहाँ से लेके, ये 1% वाले रेजिस्टेंस है जो आप अभी देख रहे थे, और ये 5% वाले रेजिस्टेंस है, आपको जिस तरीके से सामान चाहिए उस तरीके से मिल जाता है यहाँ पे। दोस्तों देख लिया आप लोगों ने, ऑल टाइप्स ऑफ ऑडियो बोर्ड मैंने दिखा दिया, बेस्टेबल बोर्ड दिखा दिया, एम्पलीफायर दिखा दिया, टेस्टिंग में मैंने दिखा दिया, ठीक है। नाम नंबर एड्रेस मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, डायरेक्ट कांटेक्ट करो, और स्क्रीन में नंबर दिख रहा होगा, ठीक है, व्हाट्सएप पे आपको कैटलॉग मिल जाएंगे, ठीक है। आज के लिए बाय, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे, चलिए धन्यवाद।